डिलीवरी के बाद यूट्रस का साइज जो कि काफ़ी बड़ा होता है, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है, सो उन सब चीज़ों को वापस बॉडी को नॉर्मल लाने में ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत रोल है। यूट्रस श्रिंक होता है और जल्दी अपने साइज पे नॉर्मल आता है। बेबी को फ़ायदा और बेबी से बॉन्डिंग भी होती है। बेबी का फ़ायदा क्या है अगर हम देखें तो, बेबी का मदर से बॉन्डिंग हो रही है, प्लस जो इनिशियल मिल्क होता है मदर का, जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो एक सफ़ेद पानी की तरह आता है, वो बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसमें सारी एंटीबॉडीज़ और बॉडी जो मदर से बेबी को इम्यूनिटी मिल रही है वो जाती है, कि मदर को ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले इनिशियल पानी आ रहा है, बल्कि वो भी बच्चे को फीड कराना चाहिए, कि वो बच्चे जो कि टॉप फीड लेते हैं उनको ज़्यादा GI ट्रबल्स एज इन वॉमिटिंग, फूड पॉइजनिंग, ये सब ज़्यादा होती हैं, बच्चे जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, बल्कि जब मदर्स मिल्क लेते हैं तो उनकी बीमारी कम हो जाती है। ये बड़ा डिफरेंट सा एक सवाल मैं पूछ रही हूँ, पर बीइंग अ डॉक्टर आप ऐसे शायद आपके पास भी कुछ केसेस आते होंगे, या आपने भी सुना कहीं होगा, या कभी सोसाइटी में ऐसी बातें आई होंगी। जिस मदर ने 9 मंथ्स उस बच्चे को अंदर अपने रख के एक जन्म दिया है और उसकी हेल्थ का सवाल आता है उस बच्चे की, सो सभी माएँ तैयार होती हैं जब हम उनको समझाते हैं कि इसके ये फ़ायदे हैं। सो कोई भी ऐसी मदर हमें मिली नहीं जो मना करे। चंडीगढ़ या इस ट्राई सिटी में, हम क्योंकि यहाँ पे ट्राई सिटी में रह रहे हैं, चंडीगढ़ में रह रहे हैं, उसकी बात करेंगे, ऐसा अवेलेबल है कि जो कि सर्विस दे सके कुछ माएँ, या इस तरह से जो कि ब्रेस्ट फीड करवा सके इन्फेंट्स को? जो मदर्स जिनको एक्सेस फीड आती है वो जाके आज की डेट में बैंक्स में अपना मिल्क डोनेट कर सकते हैं, जिनको प्रोसेस करके, उनको प्रोसेस करके इतना प्योर करा जाता है और उसके बाद फ्रीज करते हैं कि वो कोई भी मदर उसको यूज़ कर सकती है। तो जिनको फेलियर ऑफ लैक्टेशन होता है, हमारे आज की डेट में अगर कोई पेशेंट है जिनको फेलियर ऑफ लैक्टेशन है, तो हम वहाँ से ब्रेस्ट मिल्क बैंक से मिल्क लेके बच्चे को फीड कर सकते हैं। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी। अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़ी इंट्रस्टिंग जी सी, है तो रोबोटिक्स से सी, रोबोटिक सर्जरी किवें होंदी है, मैक्स हॉस्पिटल वालों से डॉक्टर सीमा वाधवा जड़े ने एसोसीएट डायरेक्टर ने जोड़े साढ़े नाल ने इस वक्त, बट अज असी उन्होंने गलबात जरा करा ब्रेस्ट फीडिंग करा। ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा ऑलरेडी, 1 अगस्त तो लेके 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग वीक होंगे, यदा की इंपोर्टेंस की हैगी है? क्योंकि WHO का कहना हैगा कि 3 चों 2 बच्चे जड़े ने स्टैटिस्टिक है जोड़े WHO दे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन दे, वो कहते हैं कि 3 चों 2 बच्चे जड़े ने ब्रेस्ट फिड नहीं होंगे ने, कि यह सारा माजरा हैगा, क्यों जरूरी हैगी है, की इंपोर्टेंस हैगी है, उस बारे गलबात कर दिया। मैम आपका स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। मैम मैंने आपको जैसे बता ही दिया कि हम ब्रेस्ट फीड जैसे वीक चल रहा है इसको काफ़ी प्रमोट भी करते हैं, अब गायनेकोलॉजी की स्पेशलिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो क्या है इसकी इम्पोर्टेंस बेसिकली, एक माँ को बच्चे को दूध जो है वो पिलाना और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका फ़ायदा मदर को भी होता है और बेबी को भी होता है। सो अगर मदर को देखा जाए तो डिलीवरी के बाद यूट्रस का साइज़ जो कि काफ़ी बड़ा होता है, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है, सो उन सब चीज़ों को वापस बॉडी को नॉर्मल लाने में ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत रोल है। यूट्रस श्रिंक होता है और जल्दी अपने साइज़ पे नॉर्मल आता है। मदर को पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग कम होती है अगर वो सेम मदर बच्चे को अपना खुद का ब्रेस्ट फीड कराती है। बेबी को फ़ायदा और बेबी से बॉन्डिंग भी होती है। बेबी का फ़ायदा क्या है अगर हम देखें तो, बेबी का मदर से बॉन्डिंग हो रही है, प्लस जो इनिशियल मिल्क होता है मदर का, जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो एक सफ़ेद पानी की तरह आता है, वो बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसमें सारी एंटीबॉडीज़ और बॉडी जो मदर से बेबी को इम्यूनिटी मिल रही है वो जाती है, और इसलिए हम कहते हैं कि मदर को ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले इनिशियल पानी आ रहा है, बल्कि वो भी बच्चे को फीड कराना चाहिए। सेकेंडली, जो मदर्स मिल्क है वो इन्फेक्शन से दूर है। अगर सेम बच्चे को अगर आप ऊपर का दूध फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो, उसमें बाहर का पानी ऐड कर रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फेक्शन जाता है, और स्टडी वाइज देखा गया है कि वो बच्चे जो कि टॉप फीड लेते हैं उनको ज़्यादा GI ट्रबल्स एज इन वॉमिटिंग, फूड पॉइजनिंग, ये सब ज़्यादा होती हैं, बच्चे जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, बल्कि जब मदर्स मिल्क लेते हैं तो उनकी बीमारी कम हो जाती है और नहीं होती है इसकी वजह से। थर्ड, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, इट इज़ अ फ्री मिल्क अवेलेबल, तो आपके पास कोई फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं होता है उसके ऊपर। सो आई वुड से सभी मदर्स को करानी चाहिए ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग। मैम जो WHO की जिस तरह से
लेटेस्ट आया है एक, उसमें बोला गया है कि 3 में से 2 बच्चे जो हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग पे मतलब नहीं करवाए जाते हैं। तो इस तरह से जो आप डॉक्टर्स भी हैं या आप इससे डेफिनेटली सीधा सीधा इससे आप रिलेट करते हो, किस तरीके से लोगों को इसके बारे में और अवेयरनेस करवाई जाए? जैसे ज़्यादातर एक औरतों में ये बात रहती है कि हमारी जो फिगर है वो ख़राब हो जाएगी, यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारा पोस्चर ख़राब हो जाएगा, हमने वेस्टर्न वियर्स पहने, ये भी एक उनका रहता है। ये बड़ा डिफरेंट सा एक सवाल मैं पूछ रही हूँ, पर बीइंग अ डॉक्टर आप ऐसे शायद आपके पास भी कुछ केसेस आते होंगे या आपने भी सुना कहीं होगा या कभी सोसाइटी में ऐसी बातें आई होंगी। ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि हमने मीडिया में काफ़ी पढ़ा है कि ऐसी मिथ्स होती हैं सोसाइटी में, लेकिन अगर आज जनरल मेरे ओपीडी के जो डेली प्रैक्टिस है उसमें जो मदर्स आ रही हैं दे आर सो वेल एजुकेटेड। इवन अगर मैं कहूँ कि अगर रूरल बैकग्राउंड से भी लेडीज़ आती हैं तो वो भी चाहती हैं आजकल कि वो ब्रेस्ट फीड कराएँ। और जहाँ तक बॉडी का सवाल है, फिगर का सवाल है, तो जब बच्चे की हेल्थ और उसकी जिस मदर ने 9 मंथ्स उस बच्चे को अंदर अपने रख एक जन्म दिया है और उसकी हेल्थ का सवाल आता है उस बच्चे की, सो सभी माएँ तैयार होती हैं जब हम उनको समझाते हैं कि इसके ये फ़ायदे हैं। सो कोई भी ऐसी मदर हमें मिली नहीं जो मना करे आज तक कि हमने अपने बच्चे को फीड नहीं कराना। हाँ, प्रॉब्लम तब आती है जब किसी मदर को मेडिकल प्रॉब्लम है और उसकी वजह से उनका ब्रेस्ट फीडिंग प्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है, उनको फीड ही नहीं आती, तो उस केस में हमें टॉफीड देनी पड़ती है बच्चे को क्योंकि डाइट तो देनी है और हमारे पास कुछ मेडिसिन हैं लिक्विड डाइट इंक्रीज करके मदर की, हम उनसे भी ट्राई करते हैं और अगर लास्ट रिजॉर्ट में नहीं रह जाता फिर ही हम फॉर्मूला मिल्क बच्चे को एडवाइस करते हैं, अदरवाइज ब्रेस्ट मिल्क फॉर ऑल। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमने भी देखें कि कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं या कैसे कुछ ऐसे मदर्स को हमें भी मीन्स हमारे भी इसमें ध्यान में आया है कि उनको ब्रेस्ट फीड नहीं होता है, बेबी होने के बाद भी उन्हें ब्रेस्ट फीड जो नहीं होता है, उन्हें मिल्किंग नहीं होती है, उसकी क्या वजह रहती हैं और क्या कारण वजह होती हैं और अगर नहीं होती हैं तो क्या ऐसे बच्चों के लिए हॉस्पिटल में या आपके हॉस्पिटल में या चंडीगढ़ या इस ट्राई सिटी में, हम क्योंकि यहाँ पे ट्राई सिटी में रह रहे हैं, चंडीगढ़ में रह रहे हैं, उसकी बात करेंगे, ऐसा अवेलेबल है कि जो कि सर्विस दे सके कुछ माएँ या इस तरह से जो कि ब्रेस्ट फीड करवा सके इन्फेंट्स को? आजकल मदर्स सभी गर्ल्स एंड लेडीज़ जॉब्स में होती हैं, अगर किसी को किसी वजह से जॉब पे वापस जल्दी जाना पड़ता है, सो अगर प्रोलॉन्ग्ड गैप पड़ जाए और बच्चे को वो फीड नहीं करा पा रही हैं किसी रीज़न से, तो विद टाइम उनकी फ़ीड कम हो जाती है। और अगर बच्चे को वो नहीं फ़ीड करा पा रही हैं तो हम बहुत तरह से उन्हें हेल्प कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम फार्मूला मिल्क हमारे पास अब ब्रेस्ट मिल्क बैंकिंग भी अवेलेबल है, सो उस बैंकिंग में आप जो मदर्स जिनको एक्सेस फीड आती है वो जाके आज की डेट में बैंक्स में अपना मिल्क डोनेट कर सकते हैं, जिनको प्रोसेस करके इतना प्योर करा जाता है और उसके बाद फ्रीज करते हैं कि वो कोई भी मदर उसको यूज़ कर सकती है। तो जिनको फेलियर ऑफ लैक्टेशन होता है, हमारे आज की डेट में अगर कोई पेशेंट है जिनको फेलियर ऑफ लैक्टेशन है, तो हम वहाँ से ब्रेस्ट मिल्क बैंक से मिल्क लेके बच्चे को फीड कर सकते हैं। सो ये फैसिलिटी आजकल अवेलेबल है। मैम, जो जो बच्चों को फीड नहीं दिया जाता उनमें क्या कमी रह जाती है दूसरे बच्चों के बनस्पत जो बच्चे की फीड ले सकते हैं जिनको ब्रेस्ट फीड करवाया गया? स्टडीज़ में देखा गया है कि ये बच्चे जल्दी जल्दी बीमार हो सकते हैं, थोड़ी इम्यूनिटी लो होती है इन बच्चों की और इन्फेक्शन के ज़्यादा प्रोन होते हैं, क्योंकि जो फार्मूला मिल्क में भी जिस पानी को मिक्स करा जाता है उसका ध्यान देना होता है, अगर हम बॉटल से फीड कर रहे हैं तो उसका स्टरलाइजेशन, अगर आप उसको कॉली चम्मच से फीड कर रहे हैं तो भी उसका स्टरलाइजेशन, हाथ साफ़ करना, चीज़ का नीचे गिर जाना उसको दोबारा बच्चे को सेम चीज़ से फीड करना, घर में पेट्स होते हैं, सो ये सभी चीज़ अगर हम देखें तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ बेटर, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता बच्चे को। और अगर हम फार्मूला मिल्क या टॉफी दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। मैम, आगे चल के जैसे बड़ा होता है जब बच्चा, तो उसमें कोई हाइट में कुछ कमी या बोन्स की स्ट्रेंथ में कुछ कमी, आपने मेटाबॉलिक सिस्टम में तो कहा ही है कि कुछ ना कुछ उसकी मीन्स की उसे डाइजेशन में या कुछ ऐसी वॉमिटिंग्स या कुछ ऐसी आउट ऑफ कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं या स्किन के कुछ डिसऑर्डर्स, ऐसा कुछ भी देखने में आया है जो लोग बच्चे बड़े हुए बाद में और उन्होंने ब्रेस्ट फीड ली थी और जिन्होंने नहीं ली थी?
अभी तो यही कहना चाहूंगी कि जो इन्फेक्शंस हैं जिस टाइम पे बच्चे को ब्रेस्ट फीड मिलती है, अगर फर्स्ट 6-8 मंथ्स 1 ईयर तक देखें तो जो इन्फेक्शंस हैं वो उसका रेट इंक्रीज है। जो हमारे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, जो डेटा अवेलेबल है वो यही कहता है कि इन्फेक्शन रेट बच्चे का बढ़ जाता है। और जहाँ तक लेटर लाइफ में कोई सवाल है तो वो इसका कोई ऐसा स्टडी और ऐसा कुछ नहीं अवेलेबल है जो हम कहें कि बोन्स बच्चे की वीक हो जाती है, क्योंकि फॉर्मूला मिल्क में भी सप्लीमेंटेशन होते हैं। जी लास्ट सवाल है मेरा, आप रोबोटिक्स पे आज करने आए थे कि रोबो सर्जरीज अब अवेलेबल हैं, इसको मैं इसी में इनकल्केट कर लेती हूँ, आई डोंट वांट टू गिव यू मोर ट्रबल। उसमें ये सबसे बड़ी बात यही है कि जो इन स्पेसिफिक मैं बात करूँगी, गायनी जो एक आपका डिपार्टमेंट है उसमें ये रोबोटिक सर्जरी किस प्रकार से हेल्प करती है, कौन कौन से एरियाज में काम करती है? गायनी की सभी सर्जरीज जो आज की डेट में होती हैं वो सभी रोबोटिक्स से पॉसिबल हैं, सी-सेक्शन एक्सेप्ट चाइल्ड बर्थ। सो चाइल्ड बर्थ में रोबोट का कोई रोल नहीं है। इसके अलावा लेडीज़ की प्रॉब्लम्स हैं जैसे रसौलियाँ हैं, फाइब्रॉइड्स हैं, ओवरी की सिस्ट हैं, इनफर्टिलिटी है, एंडोमेट्रियोसिस है, गायनी के कैंसर्स हैं, ये सारे ही, इवन एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर हमें कोई अंदर फर्टिलिटी इन्हांसिंग सर्जरीज करनी है उसमें भी सभी इन रोबोट का ख्याल का यूज़ होता है। एंड दिस इज सच अ हाईली स्पेशलाइज्ड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी 4th जनरेशन रोबोट जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, इसको हम डाविंची का एक्साई सिस्टम कहते हैं। इससे इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट प्रिसिशन मिला है हमें कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और पेशेंट बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी पेन के घर जाता है। जी थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਮਾ ਵਧਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੈਕਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ। ਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਵੀਕ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਵਰਲਡ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਉੱਪਰਲਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਖੁਦ ਪੀਤਾ ਜਾ ਪਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਗਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਸੇਫ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਦੁੱਧ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ, ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗਾਇਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਗਾਇਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਲੋਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੱਟ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਵੇ, ਘੱਟ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ .com D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।